दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो, यह है भारत का सबसे सुंदर महलों में से एक महल। और दोस्तों खासियत यह है कि इस महल के अंदर ना वीडियोग्राफी अलाउ है, फोटो भी अलाउ नहीं है, यानी एक फोटो और एक वीडियो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। साथ ही साथ आपने सुना खा होगा ना, जो चीज पर्दे में होती है उसको देखने की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। इसलिए इसे भारत के 5 सबसे सुंदर महलों में गिनती होती है और ये टॉप 2 में आता है जो सबसे खूबसूरत है। इसी को हम अंदर से देखने वाले हैं। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है पहला रोज़ा और मेरी आवाज़ बैठ रही है, पर दोस्तों आज हम जा रहे हैं गुजरात का नहीं, भारत का सबसे सुंदर महलों में से एक महल जिसका नाम है लक्ष्मी बिलास पैलेस। बहुत ही शानदार पैलेस है, यानी आज जब गुजरात आते हो बड़ोदरा तो इस पैलेस को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों पहले कहना चाहता हूँ कि ये जो होटल है ना, मुझे बहुत पसंद आया। एक साल हो गया मैं ट्रैवल करते हुए, इससे ज्यादा साफ और क्लीन जो होटल नहीं मिला। यहाँ आप ये देखोगे कि इन लोगों ने ना पेस्ट तक दे रखे हैं, पेस्ट है, शैम्पू है, टॉवल है, साथ ही साथ चप्पल तक आपको मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा और रीजनेबल प्राइस, यानी 1000 से लेकर 1500 रुपए के बीच प्राइस होता है। तो अगर आप बड़ोदरा आओ ना तो राज पैलेस है, मैं उसको नीचे लोकेशन डाल दूंगा, एड्रेस डाल दूंगा, आप यहाँ का इनका होटल ले सकते हो। मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा, और बताना चाहता हूँ ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जेन्युइन है, बहुत ही अच्छा मुझे फील हुआ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मी बिलास पैलेस महल देखने के लिए, बहुत ही शानदार महल है, तो चलो चलते हैं। या अल्लाह कितनी धूप है, ओफो, अंदर पता नहीं चल रहा था या धूप ही धूप है। तो अभी हम करते हैं ऑटो और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं लक्ष्मी पैलेस। दोस्तों ये एक गेट देख रहे हैं आप, ये भी लक्ष्मी विलास पैलेस का गेट है, बट हम जो है इस गेट से एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि एंट्री करने के लिए यही गेट है। हम अंदर एंट्री कर चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर मास्क के बिना एंट्री नहीं है। मेरे पास मास्क नहीं था तो दोबारा लेकर आया, और बहुत गर्मी है, बट विदाउट मास्क एंट्री है ही नहीं। तो यहाँ से टिकट नहीं है, टिकट जो मिलेगा आगे मिलेगा। तो अभी हम घुमाने वाले हैं, साथ ही साथ बताने हैं कि इसके अंदर की वीडियो अलाउ नहीं है, वीडियो भी अलाउ नहीं है, फोटो तक अलाउ नहीं है। देखते हैं क्या होता अंदर। वाओ, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, यहाँ से ये आप देख सकते हैं। साथ साथ टिकट जो है वह सामने से लिया जाएगा, इधर आप पार्किंग देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, और मैंने सुना टिकट भी यहाँ काफ़ी महंगा है, शायद 200-250 रुपये का टिकट है। देखते हैं, इधर आप देख सकते हो शायद, इधर ही टिकट काउंटर। दोस्तों टिकट ले लिया, टिकट जो है इंडियन के लिए 250 रुपये का, अभी तक का सबसे महंगा टिकट मैंने यहाँ का लिया है, पहले इसका किसी पहले इसका लिया है। 250 रुपये का टिकट है, और इंडिया से बाहर के लोगों का है 525 रुपये का, बहुत महंगा टिकट है। दोस्तों आप देख सकते हो यह है महल का आउटलुक, बहुत ही गजब। एग्जैक्टली आसपास पेड़ है, उसकी वजह से लुक दिखाई नहीं दे रहा होगा। दोस्तों बताना चाहता हूँ, अंदर एंट्री नहीं है, मतलब कैमरा और फोटो अलाउ नहीं है, इसलिए आप बाहर से ऐसा लुक देखिए, ये देखिए बहुत ही शानदार। दोस्तों यहाँ की मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जहाँ पर जो है कैमरा और फोटो अलाउ नहीं है अंदर का, बट कोशिश करेंगे अंदर की क्या स्थिति है, यानी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी फोटो तक अलाउ नहीं है। और एक एंट्री पहले कभी ये होती होगी, अब ये जो है इसकी एंट्री है। तो हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं। तो यहाँ से इसकी जो है एंट्री होने वाली है।
बहुत ही गजब दोस्तों, वाकई में गजब बना हुआ है। शायद इसलिए यहाँ पर जो है वीडियो और फोटो अलाउ नहीं है। ये देखिए वाकई में यार, गुजरात और राजस्थान की बेल्ट ऐसी है कि ये आज भी अपने आप को जो है जिंदा रखे हुए है किलो और पैलेस के हिसाब से। देखो यहाँ लिखा हुआ है फोटोग्राफी अलाउ नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए दोस्तों, अगर लक्ष्मी विलास पैलेस की बात की जाए तो ये लंदन के बंकिंघम पैलेस से 4 गुना बड़ा है, और बड़ोदरा का लक्ष्मी पैलेस जो है ये गुजरात की यानी बड़ोदरा की एक जो है पहचान माना जाता है। और दोस्तों अंदर की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, ये किसी और चैनल से मैंने वीडियो उठाई है। अंदर बहुत ही खूबसूरत है, 170 रूम बने हुए हैं। सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये फव्वारा है जो पूरी गैलरी है, बहुत ही शानदार लगती है। आपको पता है गुजरात में कितनी गर्मी होती है, उसके बाद इस महल में आओगे तो सोचो बिना लाइट के आपको एसी वाला फील होगा। और यहाँ पर जो इनका हॉल है, जो डाइनिंग टेबल कह सकते हो या डाइनिंग हॉल कह सकते हो, बहुत ही शानदार है जो अभी आप देखने वाले हो। और जैसे मैं कह चुका हूँ, यहाँ वीडियो और फोटो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये ऑलरेडी जो वीडियो देख रहे हो आप, ये किसी और के चैनल की उठी हुई है अंदर वाली। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, ये आप हॉल देखिए। इस हॉल में आप सबसे बड़ी अचरज वाली बात है कि बीच में एक भी आप खंभा नहीं देख सकते टिकने के लिए, यानी बिना खंभे के ये टिका हुआ है। अब उन तौर पर क्या होता है कि इतना बड़ा हॉल में आपको लिंटर टिकाने के लिए कुछ ना कुछ खंभा चाहिए। आप इसकी झालर देख सकते हो, और ऊपर राजा और उनके जो लोग बैठते होंगे वहाँ देख सकते हो। बीच में बहुत ही जगह ही अच्छी है, खासकर आप देखिए कितना शानदार लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये डाइनिंग टेबल भी माना जाता है, मीटिंग हॉल भी माना जाता है इनका, और डाइनिंग टेबल कह रहा हूँ, डाइनिंग रूम भी माना जाता है। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन का जो केंद्र वो यही है, जितने कमरे हैं ऑलरेडी आधे से ज़्यादा बंद कर रखे हैं। और आप देख सकते हो ये, यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट है जो आप घूम सकते हो, लेकिन आप उसकी वीडियो या फोटो नहीं ले सकते हो। तो कुल मिलाकर आपके 250 रुपये जो हैं वो वर्थ हैं, नुकसान नहीं है। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो लक्ष्मी पैलेस, उसमें महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के फैमिली जो है आज भी रहती है इसमें। तो दोस्तों अभी हम महल से बाहर आ चुके हैं, और आई होप आपने अंदर का जो भी कुछ देखा होगा देख लिया होगा, क्योंकि वहाँ वीडियो और फोटो लेना अलाउ नहीं है, इसलिए किसी और की वीडियो दिखाई थी। बिहाइंड से आप ये देखिए, सबसे शानदार जो लुक है वो बिहाइंड का है, कितना शानदार लग रहा है। और ये अपने टाइम में ये फ्रंट इसका लुक होगा, बहुत ही शानदार दोस्तों लुक है। और दोस्तों इसके सामने की बात करूँ तो ये जो आप देख सकते हो ये गोल्फ मैदान है, यहाँ पर आप पर्सनल भी आकर आप गोल्फ खेल सकते हो पेड यानी पैसे देखने के बाद। ये जो देख रहे हो ये आज मीटिंग हॉल बना हुआ है, जो उस समय यहाँ पर पानी कलेक्ट हुआ करता था और महल की छाया इस पर पड़ती थी, यानी फोटो खींचा जाता था। और यहाँ से आप दोबारा लुक देख सकते हो, कितना शानदार लुक जो है इस महल का बना हुआ है। दोस्तों अगर इस महल की बात की जाए तो लक्ष्मी विलास पैलेस को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने बनाया था, जो कि बड़ोदरा के थे। और ये बताना चाहता हूँ 1880 में शुरू हुआ था, 1890 में ख़त्म हुआ, 10 साल लगे। 700 एकड़ में ये महल बना हुआ है, इसके अंदर 170 रूम है, और मात्र 2 लोगों के लिए महल बना, यानी राजा और रानी 170 महल वाले रूम में रहा करते थे। और ये भारत का दूसरा सबसे खूबसूरत महल माना जाता है। और दोस्तों इसका जो नक्शा है यानी डिजाइनर है वह चार्ल्स मैट RF चिसोल ने तय किया था। दोस्तों महल के टाइम की बात करूँ तो सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक ये ओपन रहता है। दोपहर के समय 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक महल की यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती है। मंडे को तो क्लोज रहता है। टिकट की बात करूँ तो 250 रुपये का टिकट है। तो आई होप दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा है, अंदर से बहुत ही अच्छा है। कहते हैं ना कि जो चीज़ पर्दे में होती है उसको देखने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। 250 रुपये वर्थ हैं आपके, एक बार आप आए बड़ोदरा में। और इस महल को इग्नोर कितना आसान है, गूगल पर सर्च करोगे ना आप
कि टॉप भारत के सबसे सुंदर महल, तो इसमें आपका दूसरा नंबर इसका आता है खूबसूरत में, बहुत ही शानदार है। बट मैंने कहा ना कि अंदर वीडियोग्राफी और फोटो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और जो भी हमने वीडियो यूज़ की है वो हमारी नहीं है, वो किसी और की वीडियो है अंदर यूज़ करने के लिए। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।